सुप्रिया का दाम नहीं मन लगे ओकर संतोला बन के ताय के शर्ट पहना दान ये पहना दिए को अब अभी कहते अभी काम करती ना कहते तेज़ है बैठा बैठ के बनबे लिए इतना घर में गरम थी हमरा एगो हमरा कथी देवी नानी के तो है नानी नानी के आय देसना हमरा पानी पिए था बुआ के तेल लगा भा जल्दी जल्दी आय नहीं आ बेटा आओ आओ देसु बुआ के लके नहीं आवत आओ 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 आगा आगा आओ आओ एक आ या 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 ये नहीं ए हे देसु ये ले देसु ये ले तो खोला नहीं ला घर के मतलब है बुआ सब के माय भेलिए माय सरीखा पाले छी त माय भेलिए आ ई बुआ के इहे लोहर पट्टी लंग एगो रातो धार है रोजा लोहर पट्टी के बीच में वही रातो धार में नदी में फेंक देले रहे वही से पुलिस आन के हॉस्पिटल में धेल के हॉस्पिटल में धेला के बाद 26 दिना भ गेले 26 दिना के बाद में अइ बीच में मालूम भेले हमरा सब के से बचाओ ये धैले कह के हम सब प्रयास कैलिए से ई बच्चा के कोई नहीं लगेले अभी तकलीफ कोनो गार्जियन नहीं है तो कोनो गार्जियन नहीं है तब हमरा सब के बच्चा सौंपल जाए लोग सब कल के अनाथ आश्रम से देवे से निमंत भेले जे कोनो परिवार में दे देते तो माय बाप के नाम देते आ परिवार में एकरा सब के सुख भेटते आ अहाँ अनाथ आश्रम में ल जाके तो नहीं ठीक वाला बात भेले हम कल से अते दिन से तो बच्चा धैले है कमती में ल जेते बहुते खुशी के बात अब साथ साथ को बच्चा में अब तो सूते के आज 3 बरस फर्स्ट वाली लड़की से आज 3 बरस भ गए आज 3 बरस में तो बुझे लेथिन जे एगो बच्चा घर में रहे तो कते टेंशन हो आ 3 बरस से तो हम सब सूते के बिसरिए गए कभी बाय चांस एहने झकल झुकल 10 मिनट आधा घंटा कभी सुत रही से सुत रही नहीं तो बच्चा सब एगो के दूध पियली तो एगो काने लागल एगो के मच्छरे काट लेल एगो के घर में ला गल वही ला चिचिया एक सबके पहने सब दिशा उशा कैले रहल सबके सब पा उपा खुका पहले सबसे पहने सब कोई के दूध दे आ दूध द का तब तनिक देर के बाद में तब सेरलैक्स जो सेरलैक्स खाए वाला है से सेरलैक्स खैलक आ जे जावलो खाए वाला है तक सबके जावलो दिली कहियो गेरो गुरु दिली कहियो कहे तो मतलब लिट्टो वाला हलवा बना ले छे वो दिली कहियो एकरा सबके मन नहीं लागल दूहो सबके खैला तो दूधे खैलक देख अनेक रंग के मन आ तब ओके बाद में 12-1 बजे तीर
कनी फल फूल सब फेर छील के देली तब फल फूल सब खैलक रुच लागल तो खानो खैलक आ नहीं रुच लागल तो ओहो नहीं खैलक अनेक रंग के परेशानी एकर सबके मच्छर दवा से ही चप्पल खोल हमर नाम भ गेल प्रेमशिला हम एहि स्थान में सब दिन रहै छियै और बुआ से के सहिया सुसार करै छियै हम बुआ सब सब कहै छै दीदी दीदी अपन कहै छै हम आश्रम में रहै छियै और बुआ से के सहिया सुसार जतली सब चीज कैली जना बुआ से के महीना वाला खोप होइ छै डेढ़ महीना में एगो पड़े है एक डेढ़ महीना पहिलका सुइया डेढ़ महीना में डीपीटी पड़े बीसीजी ई सब लगवा गेली मेरी स्टॉप सेंटर में वही बुध दिन का सुइया दै छै तकरा से के बीसीजी तो 24 घंटा बाद दै है तो जखन ते बुआ सब आयल तकर बाद में वही दिना भ गेल तो वही दिना फोटो खींची डीपीटी डेढ़ महीना बाद पहिलका दै है तो ऊ गेल तकर बाद पहिलका डेढ़ महीना में देला के बाद में दोसर तेसर तीन टा सुइया डीपीटी पड़े छै तीन महीना डेढ़ महीना में एगो ठीक छै नै ठीक छै चिराग बाबू ए चिराग बाबू इधर से लगे लाइट में लगा बहा में दही दही बेटा बेटा के काम है से दूध ली दही दियो घूमो चेहरा पूरा दवाई के लेल खाए रहिए से तो जाए आबे के सुविधा नहीं है हॉस्पिटल तक ले जाए बेर में तो दिक्कत तो जरूर हो कोनो टाइम को टाइम मन खराब भ गेल तो कहला साधन रहते जाए वाला अब साइकिल है रस्तो खराब है साइकिल लेके जा नहीं सकली तब गोरे गोरे दौड़ पड़ल गाड़ी घोड़ा के तो रास्ता में सुविधा नहीं है तब गेली तो गोरे गोरे गेली टाइम तो जरूर लागल दुख तो जरूर भेल जब बैक के जाए में दौड़ पड़ल लेकिन भरसक कोशिश करित रहे छी जेकरा सबके मन नहीं खराब हो एकदम सफा सुथर कहे के मतलब टाइम टू टाइम कुछो खाए पिए नहीं देली सहार सुसार कैली जेना ओकर तना सब है बउआ सबके गर्तर गुर्तर सब जो है ना वो कपड़ा सब एकदम सफा कैली खौलल पानी में डिटॉल धक ओकरा फिर सरफ साबुन से धोक तब खौलल पानी में डिटॉल धक तब ओकरा धोली से बउआ सब स्वस्थ रहे कहकर वही दुआरे मेहनत जते उठावे पड़े लेकिन बउआ सब बीमार नहीं पड़े से हमर हटि घड़ी उदाहरणा सात गो बच्चा है तो कोई अलग तो अपन ड्यूटी कह के गेल हमर ड्यूटी तो 24 घंटा के रहे तब बच्चा सबके तो रेख देख में दिक्कत भ जाते ते दुआरे हम अपने बारू जते परेशानी भेल ओते उठैली एकरा सबके ज्यादातर ओते तो बीमार नहीं पड़े हैं
नहीं के नानी छी नाम को नाम हम विमल देवी बुआ केहन बुझाय बुआ जाके हमरे रंग राम से का सुन के अथी कैली मिली रहली वइया सेवा कैली सेवा सत्कार कैली बुआ के बिहाया अनाथ जी का बुझाय अनाथ जी का नहीं हम बुआ सब बुझाय थे हम बुझाय अपने एक एक सिंगर लिए एक दिन खाई लिए एक दिन पी ली दूसर के खाई नहीं देते खाए में सब लुधक जाए एक बैठली खाए में सब लटक की पथारी में लटकल घर में तखन ची तो ओहने कहै छले कि तो हुआ ना सब गोदी में लिया के धरले हो पूछले के हो छोटू ए कथी कर छी छोटू के खिलाबे छै खुआबे छै बुआ के कथी नाम छै बुआ के कहू कथी नाम है बुआ के बुआ सुतले की नाम छै बुआ के सुतले आ के बुआ ए केकर बुआ है उ केकर बुआ छै बुआ है मने केकर दीदी के बुआ कथी पढ़े बाबा पढ़ाबे छै बाबा 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 पीटे छे माया करे छे खाला दे छे बाबा कथी कथी खाला दे छे दूध आरो दूध नहीं पिए छे मुढ़ी भात रहती तो मुढ़ी तुरी देसु बुआ के है नाम कथी है आराध ना अहाँ साहेबनी करे छियै बुआ के साहेबनी करे छियै निमन से करू निमन से निमन से करू तू कर तू कर तू कर आई दीदी के करू आई दीदी के करू तीन करू गिर पड़ते बुआ करू बुआ करू निमन से करू आ दीदी के करू छोटू बुआ करू बुआ के करू बुआ के चोट नहीं लगता है केकर बुआ है पति है राहत ऊपर कर लेगा अब जाओ जाओ सुतरा ले वाला जा ले जाओ ल गिरा देते पकड़ कोई करा कंट्रोल कर ले अब ल गिरता हे हे अच्छा देसना आलोक हमने इसका नाम रखा है और ये है
साधना साधना एनी आओ ये लो मोबाइल लो लो मोबाइल चल गए ऑलरेडी ये आश्रम का रुक बेटा ये देखा तो नाम था हमें देखा तो इसका नाम हमने रखा है देशना आलोक और इसका 3 वर्ष हुआ है अभी। अब ये स्कूल जाने के लिए जिक्र करती है कि हम स्कूल जाएंगे, इसमें एक अलग स्वभाव है, ये चाहती रहती है खुद स्कूल जाने। और इसको हमने इसी ज्ञानकूप स्कूल के प्रांगण से प्राप्त किया है और यही बच्चा से इसका शुरुआत हुआ। ये दूसरी वाली है, इसका नाम है साधना और ये आपको जनकपुर के प्रसिद्ध भूमि 12 बीघा के मैदान से प्राप्त हुआ, इसका 2 वर्ष हुआ है। और ये अभी देड़ी देड़ी हाँ ये है तीसरी, इसका नाम है आराधना आलो और इसको जनकपुर के ये प्रसिद्ध जगह से ये आपका भमरपुरा चौक के पछाड़ी डस्टबिन में प्लास्टिक में बैठकर फेंक दिया गया था। इसको प्लास्टिक बिछने वाली कावड़ा का काम करने वाला बच्ची ने देख करके पुलिस को खबर किया और हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद भी इसका शरीर में पूरे घाव था और घाव था पूरा इसका। हॉस्पिटल ने उपचार नहीं कर पाया, बाद में और एक नेपाल नाम की संस्था ले गया इसको, तब भी पूरा घाव था इसके शरीर में और दिन भर में बहुत पैखाना करती थी, बड़ा रोगी बच्चा था एकदम, ऐसा जैसा देखती ऐसा नहीं था। इसका वजन था 1.25 किलो सिर्फ, 1 किलो 25 ग्राम इसका वजन था सिर्फ। और हमने बहुत परिश्रम करके इसको घाव का अपने हाथ से सेवा करके छुड़ाया है। इसको 3 ठो बीमारी का चेक कराना पड़ा, हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी, बाद में ट्यूबरक्लोसिस निकला और अभी उपचार के बाद ठीक है। इसी तरह आश्रम का ये चौथा बालिका का बना लो और इसको धनुषा जिला के छघरिया वीरेंद्र बाजार छघरिया गांव में फेंक दिया गया था और किसी रेप किया हुआ महिला का ये बच्चा है और इसको लावारिस दवाई से फेंक दिया तो हमने पानी में से उठा के लाया इस बच्चा को और लाने के बाद में उपचार के बाद ये ठीक है। इसका 1 साल हुआ है सिर्फ, अभी ये चौथा बालिका है हमारे आश्रम का है और ये सब लड़कियाँ हैं। इस क्षेत्र में प्रयाग करके लड़कियाँ को ही फेंकने का प्रचलन ज़्यादा है। कौन सी है भाई, केकर भाई है ये लड़का है। इसको हमने यहीं का आश्रम के नज़दीक में एक बांस है, वो बांस के बूस में से झाड़ी में से उठा के लाया। ये बच्चा का 7 महीना सिर्फ हुआ है, ये 5वां बच्चा है हमारे आश्रम का। और 2 बच्ची और है नवजात बच्चा सब, इसको अभी एक वादा सिर्फ अभी छठियार हुआ है 1 महीना और एक महीना का है। की लेवा गोदी में बता है, की लेवा भाई को। तो बाल बालिका इसमें से 8 था तो 1 गुजर गई, नहीं तो 8 रहता। एक बच्चा का डांर से नीचे का पोर्शन तैयार नहीं हुआ, हम काफ़ी प्रयास किए फिर भी बचा नहीं पाई बच्चा को, एक बच्ची को। और अभी आश्रम जमा 7 बाल बालिका है। आश्रम का अवस्था ये वाली है जो लोहरपट्टी गावी सा मोहतरी जिला के धार में से इसको लाए हमने और 20 दिन तक उपचार 21 दिन के बाद में आश्रम पर लाए। इसका अगला महीना, इसका नाम है संभावना आलोक और इसका ये लड़का का नाम है चिराग आलोक। और आपका 7 बाल बालिका में 1 बालक है ये चिराग और बाकी सब लड़कियां सब है, बेटी सब है। पहले वाली देशना, साधना, आराधना, वंदना, संभावना और ये चिराग और अंतिम वाली है अर्पणा। इसका नाम ये है, इसका अभी तुरंत छठियार हुआ तो इसका नाम हमने अर्पणा रखा। फिर से बता दो, देशना, साधना, आराधना, वंदना, संभावना और अर्पणा नाम करके 6 लड़कियां हैं और 1 ये लड़का चिराग, मिला करके कुल 7 बाल बालिका है आश्रम में। और अभी आश्रम का जो अवस्था है अभी का, ये वर्षा का समय में काफ़ी इसमें पानी जम जाता है और हम लोग चाहते हैं संबंधित निकाय में सब ला जाओ। वर्षा के समय में आप देख ही रहे हैं आश्रम, एक अब ये चौथा वर्ष है, 3 वर्ष पूरा हुआ है। 3 वर्ष के अंदर में सबसे पहले
पहला बच्चा को बचाने में वो बच्चा का भी महीना पूरा नहीं था, एबॉर्शन किया हुआ बच्चा था, तो उसको बहुत दिक्कत से हम लोगों ने बचाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चा में एक बच्चा का देहांत हो गया 3 महीना पहले, उसका महीना नहीं पूरा हुआ था, बाकी सबका ठीक है। और हमने ये अपना प्रयास से, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ज़मीन हमने डोनेट किया, आश्रम को डोनेट कर दिया हूँ। अब कोई दाता इसको बनावे, बहुत दिनों से मैंने रिक्वेस्ट कर रखा है संबंधित निकाय को, नगर पालिका, जिला विकास, बृहत्तर जनकपुर और नागरिक समाज सबको आवेदन किया हूँ, मगर खास करके सरकारी निकाय का कोई सहयोग इसमें उपलब्ध नहीं है। सरकार को हमने कई बार निवेदन किया कि ऐसा काम आप ज़रूर करिए, ऐसा अनाथ बाल बालिका, एक अपराधी ने इनको फेंक दिया, लेकिन हम लोग उठा कर लाए हैं और सरकार का काम है इसमें ज़रूरी कि वो इसको निरीक्षण करके इतना जीर्ण अवस्था है आश्रम का इसमें करे। अगर हुरी और जो जब जो बारिश का समय होता है तो हमारे आश्रम में पानी पानी हो जाता है, बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है, तो गोद में लेकर के काटना पड़ता है समय। फिर अगर गर्मी का समय है, बिहार का समय आता है, झाट बिहार, उसमें हम लोग बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं क्योंकि ये फूस का घर है और इसमें कीड़ा मकोड़ा का भी प्रकोप है, इर्द गिर्द में पानी काफ़ी जम जाता है। जनकपुर का ये डाउन एरिया है, जनकपुर धाम में ये संस्कृत विद्यालय के निकट ये डाउन एरिया में पानी का लगाव ज़्यादा है, पानी लग जाता है, तो फिर हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि कहीं कोई सांप किराना आश्रम में आ जाए, इसे आने का प्रकोप है क्योंकि ऊँचा नहीं है, मिट्टी भी भरना ज़रूरी है इसमें, छोटा झोपड़ी में ये साथ साथ बच्चा का पालन पोषण करना पड़ता है। सरकारी सहयोग के अभाव में बच्चा को बहुत ज़्यादा परिचालिका रखने का स्थिति है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। फिर भी हम 7 आदमी तैनात है, अभी 7 लोग इसमें सेवा में लगे हैं, 6 आश्रम में हैं, 3 माताजी हैं और 2 युवक, 1 विद्यार्थी हैं, 1 और व्यक्ति हैं काम करने वाले, 1 मैं हूँ, मिला करके 7 आदमी हम लोग 7 बच्चे पर सेवा करते हैं। इसमें 1 बच्ची अभी स्कूल जाने का स्थिति है, वो स्कूल जाने के लिए पहला वाली देशनालोक स्कूल के लिए खुद चाहती है कि स्कूल जाऊं, तो मैं कल से इसको चिल्ड्रेन होली प्लेस में, बोर्डिंग स्कूल है इसमें, उसमें इसको कल एडमिशन करवाया और यह पढ़ेगी, बाकी भी पढ़ने के लिए। लेकिन इन लोगों का बच्चा के अंदर एक अलग प्रतिभा है, ये बड़ा हैप्पी खुशहाल है ये हम लोग, और मैं खुद अविवाहित आदमी हूँ और मेरा अपना कोई परिवार शादीशुदा नहीं होने के कारण से मेरा अपना बच्चा नहीं है, लेकिन ये बच्चा सब मेरा अपना जैसा है, मैंने अपना नाम दिया है इसको, और मेरे जीवन का सबसे उत्तम कार्य जनकपुर धाम में रह करके धर्म करने का, मंदिर नहीं जा करके हमने इसी को मंदिर बनाया है, इस मंदिर में हमारे बच्चे खेलते हैं और आशा करते हैं। तो सरकारी निकाय से सहयोग अभी तक तो नहीं हुआ, मगर अब नागरिक समाज के कुछ सामाजिक लोग सब समय समय पर आकर के, कोई कभी आकाश वृत्ति से आसन चलता है और आकाश वृत्ति इसका वास्तविकता है, जिसको जो मन में आए, दिल में 2 रुपये 4 रुपये, कभी काल दूध, कभी काल कोई सेरलेक्स, कोई कपड़ा, कोई हलवा, कोई बिस्किट, कोई पावरोटी आदि व्यक्ति अपना इच्छा से लाते हैं। और अभी हम अभी फिलहाल अंतिम में गृह निर्माण के लिए हमारे मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष के पत्नी श्रीमती बबीता सराफ ने वचन दिया है कि हम सहयोग करेंगे, और छोटा छोटा सहयोग का कुछ सामाजिक लोग सब है उन्होंने किया है, और हम जिस जो जो पर्याप्त नहीं है, अभी घर में पूरा कुछ खेल के सामग्री चाहिए, और स्कूल में 1 बच्चा को भेजते हैं, बाकी बच्चा को हम लोग चाहते हैं किसी पर पढ़ा पाए, उसके लिए घर नहीं है। दूध के समस्या है क्योंकि लैक्टोजिन सिर्फ पिलाने से बच्चा का स्वास्थ्य में बढ़िया असर नहीं होता है, तो गैया का दूध चाहिए, गाय के दूध थोड़ा माय के दूध की बराबर होता है, लेकिन गाय के लिए गाय पालना भी जनकपुर धाम में 1 व्यक्ति पालने जैसा ही है, उसका भी 1 सामग्री खर्च होता है, पर्याप्त नहीं है, गाय का भी 1 व्यवस्था करना ज़रूरी है। और ये भवन का सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है भवन का, अगर पानी आ गया तो भी हम लोग को समस्या है, गर्मी में भी समस्या है, फैन का प्रत्यक्ष लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, ऊंचा एरिया नहीं है,
हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कोई एक अगर परिचारिका होता, कोई नर्स वगैरह का यहाँ कोई व्यवस्था होता सरकार के तरफ से, तो बच्चा का समय पर सब देखभाल होता। हम लोग कंधे पर लेकर के रात दिन हॉस्पिटल ले आते हैं, हॉस्पिटल से उपचार करवाते हैं, तो सभी तरह का समस्या से ग्रसित है। लेकिन एक हौसला का खुशी का बात यह है कि हमने किसी तरह मैनेज किया है। मुझे खुशी लगता है कि इन बच्चों को जीवन संसार में, हम तो क्या, मैं एक तो निमित्त हूँ, ये सब प्रभु करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हमें का हम लोगों का एक चिंतन है और सदगुरु ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दे रखे हैं, उनका ही कृपा से चलता है, आकाश वृत्ति में आश्रम चल रही है। और सहयोगों का आवश्यकता है, जो भी सहयोग किए हैं उनको हम लोग काफ़ी सराहते हैं, काफ़ी उनको धन्यवाद है और आशा करते हैं कि और लोग करें। मीडिया वाले समाचार बनाकर समाज में ले गए हैं, मीडिया वाले भी बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं आश्रम को। और ये माता लोग जो देख रहे हैं, ये सब निःशुल्क सेवा करते हैं, इसको हमने कोई पैसा नहीं दे रखा है। लेकिन ये कब तक चलेगी, हम लोग चाहते हैं कि कुछ कुछ इन लोगों को भी दे पाए, जो इन लोगों का भी अपना घर गृहस्थी संभाल करके जो यहाँ समय देते हैं, तो इसमें ज़रूरत है उन लोगों का भी सपोर्ट करना। बच्चा का संख्या दिन प्रतिदिन बहुत अधिकतर बढ़ रही है, अपने आप में खुशी का समाचार नहीं है ये, बच्चों का बढ़ना खुशी नहीं है, क्योंकि बच्चा फेंकने का क्रम जारी है। हम लोग निरुत्साहित करने के लिए चाहते हैं, लेकिन इसमें सरकार का कुछ पहल होना चाहिए, सीडीओ साहब की तरफ से कुछ, प्रशासनिक निकाय का कुछ प्रोजेक्ट आना जरूरी है। आखिर बच्चा बींगना, बच्चा फेंकना बढ़िया बात नहीं है। हमारे पास जो बच्चे हैं उसको तो हमने जीवन दे रखा है, बाकी बच्चा दिन प्रतिदिन फेंकने का गलत प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, एक आधुनिक हत्या है ये, इस कारण से समाज में बढ़िया समाचार नहीं है ये। लेकिन अगर कोई फेंक देता है तो उसको संरक्षण करना जरूरी है। अनाथ कबीर अनाथ बाल वात्सल्य आश्रम ने एक मिशन लिया है कि समाज में ऐसा बेवारिस बच्चा को हम लोग ने, अगर सरकार सहयोग होगा तो कोई बच्चा को हम लोग रोड पर नहीं घूमने देंगे, सबको संरक्षण करेंगे, सबको उचित शिक्षा स्वास्थ्य उपचार का आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य बने, राष्ट्र निर्माण के सबसे उत्तम काम समझ करके हमने शुरू किया, और आप सभी लोगों को हार्दिक आमंत्रण है कि आश्रम पर पहुँच करके आपको निरीक्षण करके जो आवश्यकता देखते हैं उस क्षेत्र में, उस पक्ष में आप लोग सहयोग करिए। अपना भी देता हूँ जो सहयोग किए हैं, और आमंत्रण करता हूँ कि नेपाल के जितने भी, नेपाल और भारत के संसार में जो भी सुन रहे हैं, सारे सहयोगी मित्रों से निवेदन है कि आपका जो 2-5 रुपया का सहयोग अगर आश्रम में आ जाता है, तो आपका बूंद बूंद का सहयोग से बच्चों का जीवन का दूध मिलेगा, भोजन मिलेगा, पढ़ लिख के विद्वान बन के निकलेंगे, तो ये जरूर समाज सेवा करेंगे और समाज सेवा का उत्तम प्रोजेक्ट बन के रहेगा। मैं यही आशा करता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाओ ना, वो देह पर सैर कर खेले हैं। लाबे न रे बुर बकरे, तू कथी आ ओते हम कर दे। अरे बाप रे बाप, ओ मोबाइल ले अरे मार नहीं कहे ना, फिर भाग तो लाइन कटी दे ना, फिर तैयार नहीं है। ए लो का जे थी ना, हां आबे 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 पकवान मजाक करते रह, वो अपने के दूसरे मुड़ के जाओ, जल्दी बोले भी ना हारमोनिया भाग जाते। मामू जाए तो एक लाइन है, मामू मुंह दिखा रे, मुंह देखने ये हटाना ना, पर कैसी रानी के किस तो अच्छा का है। पकड़ो।
श्री जनक जी महाराज के राजधानी जानकी मंदिर के बाद बिहार कुंड बहुत प्रसिद्ध स्थल मानल जाए छे। और ये स्थल बिहार कुंड नाम से प्रसिद्ध अइ लेल छे कि जानकी जी के महल के अंतरंग में श्री किशोरी जी अपना सखी सबके संग एमे स्नान करे छलखिन क्रीड़ा स्थल। एकर सही नाम छी जानकी हृदय कुंड। एमे हम सब स्थान के साथ साथ अइ तालाब के भी रक्षा करे छी। जनकपुर में एक पोखर छै एकमात्र जाहिमे माछ के रक्षा कयल जाइ छै। और माछ के एहिठाम कुछ उपद्रवी सब आबि कऽ हमरा सबके उपद्रव कलकै, बराबर माछ मारै छलै, हम सब एकर रक्षा करै छलियै, मारपीट करब उतारू छलै, जहाँ तक गाली बेस्ती दै छलै। तऽ हमसब एहि संत सब मिलकर एहिठाम आबि कऽ एहिमे ई कमल के जे फूल के जे गाछ छै से हमसब लगा देली। और एहिसँ बाहर के लोग भी बहुत खुश छै जे कमल के फूल एहिठाम छै, ओहोमे लाल फूल छै, एहिमे लाल फूल जाहि पर लक्ष्मी जी के वास। और एहिमे पूजा स्थल में जेना अहाँ के नवरात्रा छै, नवरात्रा में एहिमे के बहुत महत्व छै एहि फूल के, और बहुत मुश्किल से भेटै छै। एहि 10 कोस के अंदर में अहाँ के फूल जल्दी नहीं भेटत, दुर्लभ छै। हाँ, दुर्लभ छै। ताहि लऽ कऽ एहिठाम बहुत जानकी मंदिर जे विदेश सब अबै छथि से ओतऽ सँ एतऽ बिहार कुंड में अवश्य अबै छथि, और बिहार कुंड के नाम हुनका सबके पुस्तक में भी लिखल रहै छै। ताहि लऽ कऽ हमरा सब एहिठाम शांति में बैसल छी, अशांत नहि होइ। एकर उपाय हम सरकार सबसे भी मांगे छी, एहिठाम के जे नेपाल सरकार छथि हुनका सब हुनकर प्रशासन से ई आग्रह करबनि कि एहि स्थल के कम से कम निगरानी और संरक्षण होक चाही, और कोनो एहन तरह के कोई विवाद नहीं होए। एहि लऽ कऽ ई सब जे लगा देलिए ओहो ला विरोध भऽ रहल छै। अहाँ अपन श्रीकांत जी ला अथी की कहै छी, अहाँ अपन नंबर हमरा अथी में डाल कर दियौ, कभी कोनो मौका कोनो समाचार है कोनो हम अपने के पत्रिके दे दै छी।